ये बात आपकी सही है कि वो इतनी पावर में है अभी कि उनको कॉन्स्पिरेसी की जरूरत नहीं पड़ती, और वो अगर गला काटना चाहे आके गला काट देंगे, आपको कौन सी इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी करने की जरूरत है। लेकिन देखें, कॉन्स्पिरेसी की इसलिए जाती है, अगर वो गला काट देंगे हमारा तो हम ख़त्म हो जाएंगे ना, हम रहेंगे ही नहीं। वो चाहते हैं कि हम उनकी गुलामी भी करें, और वो चाहते हैं कि हम उनके ऊपर भी ना आए। दो ऑब्जेक्टिव जब आपको लेना है तो आपको कॉन्स्पिरेसी करनी पड़ेगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपसे एक कमज़ोर तबका है, एक तो ये है कि आप उसको मार डालो, ख़त्म कर दो, फिर आपका काम कौन करेगा, आपकी गुलामी कौन करेगा। कॉलोनियलिज्म भी यही है कि यू आर इंडॉक्ट्रिनेटिंग योर लिबरल वैल्यूज़ एंड मेकिंग देम थिंक कि यू आर डूइंग देम अ फेवर, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये जो फेमिनिज्म है ये कॉलोनियलिज्म का नतीजा है। तो वहाँ पे लोगों ने इस तरह से प्रोपेगेट किए व्यूज़ कि उन लोगों को ये लगे कि ए अंग्रेज़ों, आप हमारे साथ एहसान कर रहे हो, आपने हमें इनलाइटन किया, आपने हमें रोशन ख्याली की तरफ ले गए हो। तो इससे ये होगा कि वो बुरा फील नहीं करेगा। अब मिसाल के तौर पर अगर जो आप बता रहे हैं ना कि वो इतनी पावर में है, वो आके जो है वो चेंज में हमें जकड़ के चले जाए, गुलाम ऐसे ही बना लें, तो हमारे दिल में क्या होगा, यार ये गंदा आदमी है, ही इज़ अ बैड मैन, जब भी मुझे मौका मिलेगा आई विल रन अवे फ्रॉम हिम। लेकिन अगर वो आके चेंज ऐसे बांध देगा हमारे अंदर कि दिस इज़ गुड फॉर यू, सो इफ़ यू थिंक दिस इज़ गुड फॉर अस, सोचेंगे कि ही इज़ अ बैड मैन, वी विल सर्व देम, वी विल सबमिट टू देम, दिस इज वॉट दे वॉन्ट फ्रॉम अस। तो ये वो सबमिशन और ये वो स्लेवरी, ये वो चीज़ चाह रहे हैं जो कि कॉल दिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, बट दिस इज़ द फैक्ट, यही फ़िरौन ने किया था, यही माजी में कौमों को कंट्रोल करने का तरीका है कि उनको स्लेवरी में भी लाया जाए, उनको ख़त्म भी नहीं किया जाए, ताकि फिर काम कौन करेगा हमारा। तो आप जो कह रहे हैं ना कि इतनी पावर में उनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इसलिए ज़रूरत है। देखिए आज जो हम मुसलमान हैं, हमारी हालत क्या है, हम यही समझते हैं ना कि अंग्रेज़ों ने हमें इनलाइटन किया है, यही समझते हैं ना, कोई ये नहीं समझता सिवाय चंद मुल्लाओं के कि इन्होंने हमारा खाना ख़राब कर दिया। दिस इज़ द पॉइंट। बहरहाल बड़े हालात दुनिया में जो है ना, एक फितने और ये इस तरह के हालात चल रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजन सी है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी आता है कि मरजत हूद हम के जो है, मतलब मानतदार को खयानतदार समझा जाएगा, एक जो कॉन्स्पिरेसी कर रहा होगा उसको समझा जाएगा कि वो तो हमें इनलाइटन कर रहा है, ही इज़ गुड फॉर अस, लोग समझेंगे उसको और अच्छे अच्छे लोग भी उसमें आएंगे। इल्ला ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले इल्म की ही सिफात बताई, और अहले इल्म भी ये बताते हैं कि जब फितना आता है तो अहले इल्म पहले पहचानते हैं कि ये अंदर कोई ख़राबी है, फिर जब वो चला जाता है तो फिर सबको पता चलता है कि इसने हमारा जो है वो सीन ऑफ कर दिया है।